हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय श्री किचन में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ पुराने अचार को नए अचार में कैसे बदले। अक्सर घरों में पुराने अचार जो होते हैं वो फेंक दिया जाता है या घर के लोग पसंद नहीं करते हैं। तो आज मैं वही रेसिपी लेके आई हूँ पुराने अचार को नए अचार में बदलने की विधि। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो ये देखिए, पिछले साल मैं मिक्स अचार बनाई थी, इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो इसे वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं इसका तेल जो है वो निकाल देती हूँ। ये मिक्स अचार में मैं पहले गोभी, गाजर, मूली तीनों चीज़ मिला के मैं बनाई थी, तो इसका मैं तेल निकाल के रखती हूँ। वो तेल मैं पूरी समय दल पूरी समय मैं काम कर लूँगी, वो तेल मुझे नहीं डालना है। अब देखिए मैं इसमें क्या सब डालूँगी। तो ये देखिए, मिर्ची लगभग 100 ग्राम, अदरक 200 ग्राम, 4 नींबू, तो इसे मैं पहले ही धो के सुखा ली थी। अदरक को भी पहले छीलकर धो के धूप में मैं सुखा ली थी, आधा घंटा लगभग धूप में सुखाई हूँ। फिर भी मैं कॉटन का ब्रश से अच्छे से पोंछ लेती हूँ ताकि पानी का अंश नहीं रहे इसमें। अगर आप तीखा अचार ज़्यादा पसंद करते हैं तो मिर्ची का मात्रा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, नींबू को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। हरी मिर्च को दरदरा पेस्ट बना लूँगी, अदरक का भी पेस्ट बना लूँगी। तो चलिए इसका मैं पेस्ट दिखाती हूँ। दरदरा मिर्ची का पेस्ट, दरदरा अदरक का पेस्ट, नींबू छोटे छोटे टुकड़े में काट ली हूँ। तो ये देखिए, राई ली हूँ, राई का पाउडर 2 चम्मच, अजवाइन ली हूँ 1 चम्मच भरकर, नमक थोड़ा सा मात्रा में ली हूँ क्योंकि अचार पहले से नमक है, और मैं ये सरसों का तेल फ्रेश तेल ली हूँ और ये अचार वाला तेल नहीं डालूँगी। और थोड़ा सा मैं इसमें हींग डालूंगी। तो अब चलिए, अचार में तो पहले से ही मसाला मिला हुआ, इसीलिए मैं इसमें कोई मसाला यूज नहीं करूंगी। तो इसमें नींबू का कटे हुए टुकड़े डाल दी हूँ, मिर्ची के दरदरा पेस्ट डाल दी हूँ, अदरक के भी पेस्ट डाल रही हूँ। अब देखिए, इसमें राई के पाउडर डाली हूँ, अजवाइन को हथेली पर क्रश करके डाली हूँ, नमक डाली हूँ 2 चम्मच लगभग छोटे चम्मच से, थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ। अब इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ, तेल और लगेगा बाद में और तेल डालूँगी। अब इसको मैं अच्छे से मिला देती हूँ। तो ये देखिए, इतना चीज़ मिलाने के बाद अचार में टेस्ट जो होता है वो और भी निखर के आता है, पहले से भी अचार में स्वाद बढ़ जाता है। थोड़ा सा मैं तेल और इसमें डाल दी हूँ। तो इसे अच्छे से मिला देने के बाद चलिए मैं इसे धूप में रखती हूँ। 2 दिन मैं इसे धूप लगाऊंगी और बीच बीच में इसे मिलाते रहूंगी। तो ये देखिए, धूप में मैं रख रही हूँ और इसे बीच बीच में मिलाना है। सिर्फ मैं इसे 2 दिन धूप लगाऊंगी, उसके बाद मैं जार में करूंगी। तो ये देखिए, धूप लग गया है बहुत अच्छे से अचार में, मिक्स अचार में। तो इसे मैं मिला के दिखाती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा से अचार पूरा एब्जॉर्ब हो गया है, नींबू, मिर्ची, अदरक सभी मसाला मिक्स अचार में मिल गए हैं। अब देखिए, मैं एक जार ले ली हूँ, अब इस जार में मैं सभी अचार को डाल रही हूँ। तो ये देखिए, भरकर मैं इसमें जार में डाल दी हूँ अचार को। अब ये थोड़ा सा अचार बच गया, इसे मैं कोई दूसरे बर्तन में रख दूंगी। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा तेल मैं और डाल रही हूँ। तो लगभग पूरा तेल मैं यूज की हूँ इस कटोरी से, 1 कटोरी। तो देखिए, अब इसको बीच बीच में धूप लगाइए और खाते भी जाइए, खाने में भी तुरंत आप ये अचार 2 दिन के बाद खाना शुरू कर दीजिए। तो लीजिए, मिक्स अचार बनकर तैयार है। तो पुराने अचार को नए अचार में बदल कर खाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल जयश्री किचन क्वीन को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।